अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैर से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन, होम्योपैथी डॉक्टर एंड असिस्टेंट फार्मासिस्ट, आपकी खिदमत में हाजिर एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो किसी मेडिसिन के बारे में नहीं होगी। आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये 2 साल डिप्लोमा प्रोग्राम होता है फार्मेसी टेक्नीशियन, या जिसको कैटेगरी बी कहते हैं, या किसी को फार्मेसी असिस्टेंट कहते हैं, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, इनका पाकिस्तान में क्या स्कोप है। आज जस्ट हम इसके फ़ायदे और स्कोप के बारे में बात करेंगे। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इनके पेपर कैसे होते हैं, इनका पेपर पैटर्न कैसा होता है, इसमें पासिंग मार्क्स की शरह कितनी होती है और कैसे एडमिशन लिया जा सकता है, इन चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद इसके बारे में आगाह करूँगा। आज की हमारी वीडियो जस्ट होने वाली है फार्मेसी टेक्नीशियन डिप्लोमा प्रोग्राम। अगर किसी खवातीन ने मर्द ने फार्मेसी टेक्नीशियन या फार्मासिस्टेंट का डिप्लोमा किया है, 2 साल का जो होता है, उसके क्या क्या स्कोप हैं, क्या क्या उससे फ़ायदे ले सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है मेरी हमेशा की तरह, मेरे चैनल हेल्थ विद मोहसिन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नया आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो दोस्तों फार्मेसी टेक्नीशियन अक्सर आपने सुना होगा, आजकल तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो प्राइवेट इदारे हैं वो भी ये डिप्लोमा प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं, जिसको हम फार्मेसी असिस्टेंट भी बोल सकते हैं, कैटेगरी बी भी बोल सकते हैं, या उसके अलावा फार्मेसी टेक्नीशियन भी बोल सकते हैं। ये तीनों जो है वो मुख्तलिफ नाम से पुकारे जाते हैं। इनका मकसद एक ही होता है, जो कि कैटेगरी बी इसको कहा जाता है। अब सबसे पहले ये हमने देखना है, अगर किसी बंदे ने फार्मेसी टेक्नीशियन या कैटेगरी बी कर ली है जो 2 साल की होती है, इसको जो है पाकिस्तान में सबसे ये होता, पहले ये होता था कि ये फार्मेसी काउंसिल जो लाहौर में है वहीं खुद करवाती थी, कि बंदा खुद जाके वहाँ पर एडमिशन करवाता था और 2-3 साल बाद जो है 2-3 साल बाद उनके पेपर लेता था, तब वो जाके पास होता था, उसके बाद जो है वो अपना मेडिकल स्टोर या वक्त जो है वो उसे काम लेता था। लेकिन जुलाई 2024 में ये सिस्टम बंद हो गया। अब जो है फार्मेसी टेक्नीशियन या बी कैटेगरी या फार्मेसी असिस्टेंट का जो 2 साल डिप्लोमा है, ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहर में प्राइवेट इदारे जो हैं वो काउंसिल अप्रूव किए हुए हैं, उसके थ्रू आप एडमिशन लिया जा सकता है, आप डायरेक्टली काउंसिल में जाके एडमिशन नहीं ले सकते। ये बात बताने का मकसद ये है कि अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि ये हमने लाइसेंस कहाँ से लेना है, डिग्री कौन देगा, कॉलेज देगा, और भी बहुत से सवाल हैं। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन इस पर वीडियो जो है मैं मज़ीद अपलोड करता रहूँगा। आज हम सिर्फ बात करेंगे स्कोप के बारे में। स्कोप ये है कि जैसे कि आपको पता है जुलाई 2024 से फार्मेसी असिस्टेंट की रजिस्ट्रेशन पंजाब फार्मेसी काउंसिल ने बंद कर दी है। जब ये लोगों को खबर मिली ये बंद हो गया, आप जो है वो डायरेक्टली काउंसिल में एडमिशन नहीं ले सकते, अब आपको प्राइवेट इदारा ही चूज़ करना पड़ेगा, उसके थ्रू आप जो है वो काउंसिल में रजिस्टर हो सकते हैं और अपना जो डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम है वो कम्प्लीट कर सकते हैं। तो जब फार्मेसी असिस्टेंट ये रूल बंद हुआ है रजिस्ट्रेशन का, तब से जो है वह टेक्नीशियन की तरफ जो है ज़्यादातर मर्द खवातीन जो है वो एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर जो है वो लोगों का रुझान जो है वो फार्मेसी टेक्नीशियन का एज ए रेगुलर तौर पे कॉलेज के थ्रू करवाना जो है वो शुरू हो गए हैं। अब अगर किसी बंदे ने फार्मेसी टेक्नीशियन की डिग्री कर ली है, कंप्लीट हो गई, अब उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसका स्कोप जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तान में जो प्राइवेट और गवर्नमेंट के सेक्टर हैं वहाँ पर अक्सर जो है वो स्टाफ की जो है वो कमी रहती है। जैसे कि नर्सिंग की बात करें तो सैकड़ों की तादाद में नर्सें जो हैं वो कम है, हर साल हर 6 माह बाद जो नर्सिंग की वैकेंसीज आती होती हैं, और इस तरह करने के बावजूद भी हमारे पास इतनी नहीं है कि जितनी हम जो है वो मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरी कर सकें। मैं आपको बता दूँ कैटेगरी बी अगर किसी बंदे ने कर लिया आज के दौर में, तो उनका स्कोप जो है वो गवर्नमेंट वक्तन फ़वक्तन अपग्रेड करती रहेगी, इसको मज़ीद जो है इसको वास्ट करती रहेगी, ताकि जो है स्टूडेंट जो है एक लीगल तरीके से और एक प्रोफेशनल स्किल के हवाले से अगर बात की जाए वो कॉम को सर्व कर सकें। तो अगर आपने कैटेगरी बी कर लिया, तो दोस्तों कैटेगरी बी जो है अगर आपने इसका लाइसेंस बनवाना है, तो लाइसेंस आपको कॉलेज नहीं देगा, लाइसेंस जो है आपको मुतलका DHO ऑफिस से मिलते हैं। आप 2 साल कॉलेज में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आपके तमाम डॉक्यूमेंट जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो रिज़ल्ट कार्ड होता है वो आपने काउंसिल में लेके जाना होता है, जो पंजाब फार्मेसी काउंसिल लाहौर में है, वहाँ पर ले कर आपने ज़रूरी कागजात जमा कराने होते हैं। उसके बाद 2 से 3 मंथ बाद पंजाब फार्मेसी काउंसिल आपको कैटेगरी इशू करती है, जो कि तस्वीर में भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कैटेगरी आप लेके जब आते हैं, तब आप इस पे जो है मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप फार्मास्यूटिकल जो है वो कंपनी में जो है वो जॉब कर सकते हैं, मिसाल जहाँ पर मेडिसिन की तैयारी हो रही हो, मैनुफैक्चरिंग हो रही हो, या कोई प्रोसेस हो रहा हो, या टैबलेट कैप्सूल की मैनुफैक्चरिंग हो रही है, मतलब किसी भी दवा साज फैक्ट्री में आप जो है वो
उस कैटेगरी बी की बेस पे आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों इसकी हॉस्पिटल में अक्सर जो है वो फार्मेसी टेक्नीशियन की 2 साल डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम की बहुत सी वैकेंसियाँ आती हैं, अभी भी शायद रिसेंटली आई हुई थी मेडिकल टेक्नीशियन की, और इसके अलावा लैब टेक्नीशियन की, फार्मेसी टेक्नीशियन की, डिस्पेंसर की, और भी बहुत सारी। ये अक्सर ही प्राइवेट और गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटल की ये ज़रूरत होती हैं। तो आप हॉस्पिटल में एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन काम कर सकते हैं, दवा साज फैक्ट्री में भी आप अच्छी जॉब पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता देते हैं सबसे बेस्ट है आपका जो है वो मेडिकल स्टोर बनाना। जब कौंसिल आपको कैटेगरी रिन्यू कर देती है जो कि आप स्क्रीन पर शो हो रही है, तब आप ये कैटेगरी आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में ले कर जाके अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। कैटेगरी प्लस आपने जहाँ पे मेडिकल स्टोर बनाना उसकी ज़रूरी कागजात ये होते हैं कि आपकी लोकेशन, आपकी जो है वो जगह की फर्द, और इसके अलावा कुछ स्टाम्प वगैरह होते हैं, तमाम ये कागज़ डॉक्यूमेंट्री लेके आप ऑफिस में जमा करवाते हैं मुतलका ऑफिस में। मिसाल तौर फैसलाबाद में तो यहाँ पर DHO ऑफिस में हम जो जमा करवाएंगे, यहाँ पर फिर डॉग इंस्पेक्टर जो है वो इसकी जाँच पड़ताल करेगा डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद आपको अप्रूवल देता है इंस्पेक्शन के बाद। ये वाला एक लाइसेंस का प्रोसेस है, उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाए तो आप जो है लीगल तरीके से जो है वो मेडिकल स्टोर बना सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में आजकल आपको पता ही है कि मेडिकल स्टोर का एक अच्छा बिजनेस होता है। इसके अलावा आप दवा साज में काम कर सकते हैं, इसमें हॉस्पिटल प्राइवेट और गवर्नमेंट में अक्सर वैकेंसी आती रहती है, आप उसमें भी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता चलो इस कैटेगरी को आप रन आउट भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर अक्सर खवातीन होती हैं, फीमेल होती हैं, वो काम नहीं करना चाहती या उनका भाई या कोई ऐसा सच कोई सोर्सेज नहीं है, तो वो कैटेगरी अपनी आप किसी को रेंट आउट भी कर सकते हैं। मिसाल तौर आप मैंने खुद भी रेंट आउट की हुई है, ऑलरेडी मैं एक फार्मेसी पे भी बैठा होता हूँ और मैंने वहाँ पर अपनी कैटेगरी भी दी हुई है। तो ये क्या होता है कि इसका रेंट जो है वो कम से कम मैंने 2.5 लाख तब लिया था, मतलब आजकल जो इसका रेंट है वो 2,70,000 रुपये चला गया है। तो आप देख सकते हैं कि एक खवातीन जो है वो अगर 2 साल का प्रोग्राम कर लेती है तो उसकी बिना पर आप देख लें उनको रेंट आउट भी कर सकती है, मेडिकल स्टोर भी बना सकती हैं, आप किसी और मतलब स्टडी के साथ साथ आपको जॉब वगैरह भी या अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रख सकते हैं। इसका ये भी एक फ़ायदा होता है, खवातीन को अक्सर यही होता है कि वो डिप्लोमा करने के बाद जो है वो रेंट आउट कर देती हैं, उनके लिए यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। इसके अलावा और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है खवातीन में देखा गया वो अपना कैटेगरी जो होती है बी वो रेंट आउट कर देती हैं, क्योंकि 2.5 लाख का 2 साल बाद आपको हर 2 साल बाद आपको आना होता है, ये एक बेनिफिट होता है। और इसका प्रोसेस कितने अर्से तक ये लाइसेंस जो है वैलिड रहता है दोस्तों आपको बताते हैं, कौंसिल जो है वो 5 साल के लिए आपको जो है वो रिन्यू करके देती है, उसके बाद जो है आप मज़ीद 5 साल के लिए करवाती हैं। कौंसिल की भी 5-6 हज़ार फीस होती है, हर 5 साल बाद आपने इसको रिन्यू करवाना होता है, ये एक लाइफ टाइम के लिए होता है। मतलब अगर आप बी कैटेगरी कर लेते हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है, तो उसके बिना पर आप जो है बहुत सारी स्किल्स आपके पास आ जाती हैं, तो आप मुख्तलिफ शोबे में अपनी जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे सकते हैं। ये थी आप आज की वीडियो हमारी फार्मेसी टेक्नीशियन में, जिसको जो मेडिकल स्टूडेंट हैं फार्मेसी टेक्नीशियन कर रहे हैं या उन्होंने अभी मतलब कि स्टडी कर रहे हैं या उन्होंने कैटेगरी कंप्लीट कर लिया, तो मज़ीद अगर कोई बात उनको समझ नहीं आ रही तो मज़ीद उस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप दिए गए कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको फर्दर फर्दर इसका जो है आंसर फौरी तौर पर दे सकता हूँ। इसकी अहलियत क्या होती है, अहलियत इसकी मैट्रिक साइंस होती है, मतलब इसमें एज लिमिट कोई नहीं है, कोई मर्द हो खवातीन हो वो कर सकते हैं, इसमें एज लिमिट की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मैट्रिक साइंस अगर आपने मैट्रिक में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पढ़ी या आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ी हो तब आप जो है इस डिप्लोमा के लिए अहल हैं। अगर आपकी आर्ट्स के साथ मैट्रिक है तब आप ये वाला डिप्लोमा जो है फार्मेसी टेक्नीशियन का या बी फार्मेसी जिसको बी कैटेगरी कहते हैं और या फार्मेसी असिस्टेंट कहते हैं तब आप नहीं कर सकते, अगर आपकी मैट्रिक जो है वो आर्ट्स के साथ है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, छोटी सी रोशनी मैंने डाली है फार्मेसी टेक्नीशियन की डिप्लोमे पे। अगर मज़ीद आप जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आप दे सकें। तब तक मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।